तो यहाँ पे वो बंदा सो रहा है। मुझे तो पास जाने में भी थोड़ा डर लग रहा है कि ये बेचारा कहीं से आया हुआ है, क्या पता प्रॉब्लम में है कि क्या है। सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त आशु मगर। तो हम लोग काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं। आप लोगों ने सोचा कि मेरी वीडियो क्यों नहीं आ रही इतनी टाइम से। वीडियो इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि आपने अगर मेरा लास्ट ब्लॉग देखा होगा उसमें मैंने बताया था कि कोई मैं बाइक की अपने सर्विस के लिए गया हुआ था क्योंकि काफ़ी प्रॉब्लम करती है। तो इसलिए अभी तो ये ओके हो गई है, फाइन हो गई है पूरी प्रॉपर तक। तो मैं अभी यार दोस्त बुला रहे हैं वीडियो शूट करने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं आवेगी हाईवे तक कहाँ तक जाएंगे अभी। तो वीडियो बने रहना, वीडियो बहुत अच्छी होने वाली है, हम लोग बहुत अच्छी जगह जाने वाले हैं। तो चलते हैं फिर वीडियो में आगे। ओके, घर से अब निकल रहा हूँ यहाँ से, अब राइट पे वो लोग आगे जाके वेट कर रहे हैं मेरा। तो मिलते हैं आगे वीडियो में, चल रहे हैं यहाँ से, पहले निकलते हैं यहाँ से। ओके बाय, ओके सी यू। चलो फिर मैं यहाँ से निकल रहा हूँ। अभी आपको पहले भी बताया था गलियाँ भारी बहुत खराब है यहाँ से, तो यहाँ पे अभी तक कुछ ठीक नहीं हुआ है यहाँ पे कुछ भी, अभी वैसा का वैसा ही है। तो यहाँ से काफ़ी बंदे बोलते हैं मेरे को कि आप भाई इतने आराम से कैसे निकालते हो यहाँ से। मैं आराम से ऐसे ही निकालता हूँ भाई, मेरे को तो बड़ा मज़ा आता है आराम से निकालने में यहाँ से। हाय, तो चल रहे हैं यहाँ पे। इधर ये शमशान घाट के इधर कोई बाबा बैठा है यार। बाबा बैठा हुआ है, कोई नहीं, चलो देखते हैं हम कौन बाबा बैठा हुआ आगे है। ये देखो, पता नहीं शमशान घाट में हमारे यहाँ गोरखनगर के पता नहीं क्या चल रहा है यहाँ पे। हाँ भैया, क्या कर रहे हो यहाँ पे आप? हाँ बाबा जी, अच्छा अच्छा पूजा कर रहे हैं। अच्छा 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 मैं वही अकेले बैठे हो कब के? अच्छा कब के? अच्छा 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 वही बाबा भी नहीं है ना यहाँ शमशान वाले? तभी कहाँ से आए हो आप? इधर के बाबा, हम पहले मथुरा में थे, यहाँ मारखंडे के बाबा है। मारखंडे के बाबा, हम मचान मचान का हमारा। तभी वही मैं देख रहा हूँ, ये लोग बोल रहे थे भाई लोग भी कि पता नहीं कौन आके बैठे हुए हैं यहाँ पे ना, आपको देखा नहीं कभी यहाँ पे ना। नहीं ऐसे मतलब ये है ना, आत्मा उत्मा नहीं जगा देना ना यहाँ पे, प्रॉब्लम ना हो जाए घर पे। अच्छा, और उसको 12 साल खिलाते पिलाते और सुला देते, और सोए बाद वो मुक्ति हो जाती है, उसका वो जीवन में आ जाता है, बच्चा होता है। मैंने ओम का तपस्या किया है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नहीं, ओम नमः शिवाय तो है पक्का, मेरे को भी पता है जाए भोले। पर देखना थोड़ा ऐसे मतलब गलत गुलत नहीं करना यहाँ पे ना फिर, क्योंकि पहले बहुत चला हुआ है यहाँ पे गलत गुलत, तो आप थोड़ा करना नहीं। बच्चे बुच्चे अपने ही हैं यहाँ पे। नहीं आधार कार्ड कोई नहीं, मैं भी इधर ही हूँ, मैं भी इधर ही रहता हूँ, मैं भी देख रहा हूँ। कोई नहीं, करो आप अपनी पूजा जो करनी है, सीधी सूधी अपनी नहीं करना ज्यादा इधर, ठीक है ना? ओके। प्रेत का तपस्या करता हूँ। प्रेत का? हाँ, मैं ओम का तपस्या किया हूँ, प्रेत का तपस्या किया हूँ। मैं 18 साल में मशान में, 18 साल मशान में गुजारा है। सिद्धि कर रहे हैं? सिद्धि सिद्धि हो गए आप ना? हो गया सिद्धि, आराम करते बैठते। चलो ठीक, चल जाऊंगा। मारकंडे मैं, महाराष्ट्र बाबा हूँ उधर का। आवाज तो आपका चेन्नई वाला लैंग्वेज लग रहा है। हाँ उधर का ही मराठी, हमारा इंदौर साइड का, हमारा इंदौर भोपाल। भोपाल इधर इधर कहाँ से आए? इधर मैं आया था मथुरा से आया। मैं पहले दिल्ली गया, दिल्ली में रुका, पहले मथुरा में तो मेरा ये स्थान है। मेरठ तो मैं भी रहा हूँ, मेरठ तो मैं भी रहा हूँ वहाँ पे। शनि मंदिर में मेरा ये स्थान है मथुरा, पडली पार इधर बेगमपुर, और मारकंडे में मेरा ये स्थान है, और सिन्नर जाओगे सिन्नर में, और सीढ़ी साइड भी मैं, और काशी बनारस में ऐसा मछानी बाबा हो, मछान में रुकता हूँ, मछान में रहता है, मछान में रहता हूँ। प्रेत का तपस्या करता हूँ मैं, ओम का सिद्धि किया हूँ, उसके बाद मैं प्रेत का ही तपस्या करता हूँ। ये भी 12 साल हो गए। 12 साल हो गए? हाँ। कोई कुछ हासिल हुआ? कोई भूत प्रेत तुमको पिशाच कोई दिखेंगे नहीं, हृदय में समा लेता हूँ, बड़ा हृदय समा लेता हूँ, कोई गलत नहीं। खाने पीने का शौकीन कितना भी बड़ा भूत है मेरे पास, खाना पीना और मौज का। सो गाइज, आप लोगों ने देखा कि मतलब कि यहाँ पे मेरे को भाइयों ने बताया कि यहाँ पे ऐसा कुछ चल रहा है बोल के, फिर मैंने बोला चलो देख लेते हैं यार कौन है यहाँ पे, बाहर से कौन आके यहाँ पे, ऐसे भी आपको पता ही है सिद्धि वगैरह करते हैं बंदे
यहाँ पे आत्मा वगैरह जगाना ये वो करना। मैंने बोला चलो गलत काम नहीं हो, कोई जाके यहाँ पे देख लेता हूँ एक बार, क्योंकि अपना ये मोहल्ला है यार, अपना एरिया है, हम लोग ही नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा आके, है ना। यहाँ से अभी जा रहे हैं हमको, क्योंकि वीडियो शूट करने के लिए जाना है, तो हम लोग निकल रहे हैं आगे ऊपर हाईवे साइड जा रहे हैं। तो मैं बाद में आके शाम को दोबारा देखता हूँ वो बाबा वहाँ पे है कि नहीं। ओके चलो फिर मिलते हैं फिर आगे, क्योंकि अपने मोहल्ला है, अपने एरिया है, हम लोग नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा यहाँ पे, क्योंकि बाहर से कोई भी आके यहाँ से डायरेक्ट नहीं रह सकता किसी के यहाँ पे, क्या पता कुछ भी खुफिया एजेंट या कुछ भी हो सकता है, वो कहाँ से आया है कहाँ नहीं क्या हुई। आजकल यहाँ जम्मू कश्मीर में टेररिस्ट वगैरह भी काफ़ी हैं, आप लोगों को पता ही होगा, आप लोग अगर न्यूज़ वगैरह देखते हो या सोशल मीडिया अगर चलाते हो तो आजकल किसी का भरोसा नहीं है कौन कहाँ पे कैसे आ जाए। तो शाम को आके वापस मैं देखता हूँ कि कौन है कौन नहीं, वो तो उससे पूरी बातें शातें करूँगा तो पता करता हूँ। तो वीडियो को ज़रूर देखना, स्किप नहीं करना वीडियो को, अगर वीडियो को स्किप कर देगा तो आप लोगों को मेरे वीडियो के बारे में पता नहीं चलेगा। तो फिलहाल गाइस हम लोग यहाँ पे तभी में आ गए दोबारा यहाँ पे, हमने दिन को वीडियो बनाया था कि देखा था कि वो बंदा है कि नहीं यहाँ पे, तो हम लोग वही देख रहे हैं यहाँ पे, यहीं पे सो रहा है वो अभी तक, तो पूछते हैं इसको क्या प्रॉब्लम क्या आ रही है यहाँ पे। तो यहाँ पे वो बंदा सो रहा है, मुझे तो पास जाने में भी थोड़ा डर लग रहा है कि ये बेचारा कहीं से आया हुआ है, क्या पता प्रॉब्लम में है कि क्या है ये, तो उसकी हेल्प करनी चाहिए। थोड़ा मैं इससे बातचीत करता हूँ जाके, तो क्या है क्या है नहीं, ठीक है। सो गाइज मैं घर पे पहुंच चुका हूं अभी, आप लोगों ने वीडियो में देखा उस बंदे को, अगर आप लोग उस बंदे को अगर जानते हो कहीं पे कि कहीं देखा हो या कहीं पे, तो आप लोग वीडियो में कांटेक्ट करके मुझे कमेंट कर सकते हो कि कहीं पे देखा हो, क्योंकि आजकल ऐसे लोगों को भरोसा भी नहीं है, भेस बदल के कहीं पे भी लोकेशन पे रहने के लिए आ जाते हैं। तो ऐसे बंदे कुछ मतलब खुफिया एजेंट वगैरह ये टेररिस्ट वगैरह भी हो सकते हैं, या फिर इस बंदे को जरूरी मतलब कि नीड हो किसी चीज़ की, तभी ये इधर उधर हो रहा है, ताकि वो उससे हम लोग बात करने की कोशिश कर रहे थे पास जाके, हमने वीडियो भी बनाया पर वो वीडियो बनाने के लिए अलाउड नहीं कर रहा था, बोल रहा था मेरा वीडियो नहीं बनाओ, तो हमने भी चलो बोला कि यार क्यों वीडियो बनाया, उसके बाद में कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए, हमारे लिए कुछ कर देगा बोल के, क्योंकि आजकल के ज़माने में इन सब का भरोसा भी नहीं है, आजकल ब्लैक मैजिक बहुत चलता है यार। तो हमने भी उसका वीडियो नहीं बनाया, उससे पूछ रहे थे कि कहाँ से आया क्या नहीं, इतनी रात को तू सो रहा है यहाँ पे, तो ठंड नहीं लग रही है वो, तो बहुत आराम से बैठा हुआ था, उसको मैंने जगाया जाके, तो पूछा, वो बोल रहा था मैं यहाँ से गुजरात से आया हूँ ये वो, मैं ये सब करता हूँ पर मैं आत्मा को नहीं जगाता हूँ, मैं उनकी इच्छाएं वगैरह पूरी करता हूँ ये वगैरह। तो मैंने बोला इच्छाएं वगैरह कैसे, मतलब उसको भूख लगती है ये वो, मेरे दिमाग में तो कुछ नहीं आ रहा था समझ उसकी बातें ना, तो मैंने बोला कुछ अगर हेल्प चाहिए ये वो, तो उसने बोला खाने के लिए कुछ दे दो मेरे को, आटा वगैरह ये अनाज वगैरह दे दो कुछ। तो पास में दुकान कुछ ओपन थी 10 बजे के टाइम में, तो मतलब यहाँ पे तो 11-12 बजे तक ओपन रहती है यहाँ पे शॉप वगैरह, तो मैंने वहाँ से लाके उसको थोड़ा दे दिया मैं, चले यार कोई नहीं जैसा भी हो कुछ नहीं हो, पर हमारे लिए खतरा नहीं है, हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, तो मैंने चलो कोई नहीं यार इंसान ही होते ये भी जो भी होते, अब क्या पता अब हमारी दुनिया में कितने किस्म के लोग रहते हैं, कौन कैसा है कौन कैसा नहीं है किसको क्या पता, तो वो हमारे लिए हमें उस टाइम लग रहा था कि खतरा नहीं है बोल के, तो तभी हमने उसके लिए मतलब कि उसके लिए हमने हेल्प कर दी अपने हैंड से जो भी कर सकते थे। मेरे साथ जो फ्रेंड थे उनको तो डर लग रहा था, दो लड़के थे जो, पर मैंने बोला नहीं यार ये भी तो हमारे जैसे होते हैं, कुछ भी होगा चलो देखा जाएगा यार, तो मैंने जाके उसकी हेल्प कर दी। तो कोई नहीं, अगर आपको लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना, कमेंट भी कर देना, प्लस अगर ये सब भी नहीं कर सकते तो किसी की हेल्प कर देना, एक बार हेल्प करके देखना, क्योंकि मैंने भी हेल्प करके देखी, मेरे को अच्छा लगा वो बंदा, तभी जाके मैंने हेल्प कर दी उसकी, क्योंकि एक बार जाके देख लेना चाहिए, क्योंकि जिस एरिया पे आप रहते हो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी जरूर है, वहाँ के प्रेसिडेंट की भी है जो वहाँ पे रहते हैं उनकी भी है। इस चैनल में नए हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना और बेल आइकन को जरूर दबाना, क्योंकि उससे पता चलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो का आपको कि कौन सी वीडियो आ रही है या फिर आ चुकी है। तो ठीक है गाइस, ओके मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो पे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, ओके सी यू।